वेस्ट हल्के दे सारे ही सीनियर लीडर्स कट्ठे हुए ने और एसपी केवल कुमार जी ने मोदी जी का धन्यवाद जिन्होंने 49 करोड़ रुपया रीगो ब्रिज असे दिता और प्रोग्राम रखा सी और मैनू आशीर्वाद देने से बुलाया सी। बहुत अच्छा काम किया है मोदी साहब ने। अमृतसर दी लाइफ लाइन है रीगो ब्रिज और रीगो ब्रिज असे जो मोदी साहब ने किया है कि बिना स्टेट शेयर लेते हैं, बिना लोकल कारपोरेशन को शेयर लेते हैं, 100% पैसा केंद्र सरकार उत्ते लगाएगी। एरा मैं धन्यवाद करना और अज की साड़ी इतों की लोकल लीडरशिप ने भी मीटिंग करके प्रस्ताव पास करके मोदी साहब का धन्यवाद किया और वंदे भारत ट्रेन चलाने की जी मोदी साहब ने घोषणा की और इसे जड़ी जड़े लिंक बनने वाले ने और इसे पैसा भी दिता है। कुल 111 करोड़ रुपया पंजाब नूं दिता उन्होंने और इस तों अलावा लगातार मोदी साहब प्रधानमंत्री बनन तो बाद अमृतसर नाल उन्होंने बहुत प्यार रख्या, चाहे वो अमृतसर नूं बॉम्बे कटरा लिंक नाल जोड़न की गल होवे, अमृतसर च IMM देन की गल होवे, खुद लंगर का टैक्स माफ़ करन की गल होवे, गलियारा प्रोजैक्ट बनाने की गल होवे, दुर्गियाना का गलियारा प्रोजैक्ट असे पैसा होवे, प्रसाद स्कीम दे विच लिया के जड़ी जड़ी प्रॉपर्टीज़ दे दुर्गियाना मंदिर की डिमांड उन्हें पूरा करन की गल होवे, अमृतसर के क्लबों की गल होवे, हर मुद्दे ते प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमृतसर का नाँ आंदिया ही उस प्रोजैक्ट नूं ओके किया। असी अमृतसर के सारे वसनीक मोदी साहब का धन्यवाद करने और साड़ी लीडरशिप सरदार रजिंदर मोहन सिंह जी छीना, SP केवल कुमार जी, बख्शी राम जी, हरजिंदर सिंह ठेकेदार जी, साढ़े जिला प्रधान संधु साहब, साढ़े बहुत सीनियर आगू डॉक्टर राजकुमार जी, डॉक्टर राम चावला जी, चंद्रशेखर जी, सारी लीडरशिप इत्थे आई है और अज इत्थे कारकुंस ने मोदी साहब के धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया और मोदी साहब का धन्यवाद। ऐसा कि सरदार रजिंदर मोहन सिंह छीना जी ने खालसा कॉलेज से मीटिंग की और इन्होंने एक मांग की सी कि भी 5 तख्तों जोड़न वाली ट्रेन चलनी चाहिए। इन्हों की प्रपोजल लैके मैं मोदी साहब अगे बेनती की और उन्होंने रेल मंत्री कहा कि भी 5 तख्तों जोड़न वाली ट्रेन ऐसी ट्रेन हो जिस सैकेंड AC भी हो, 3 टायर AC भी हो और जनरल कुप्पा भी हो, ताकि हर तरह का यात्री सुविधा के नाल उस यात्रा च सफ़र कर सके। वो मंग उन्होंने मान ली और गुरु कृपा ट्रेन अप्रैल के पहले हफ्ते लखनऊ तो चलेगी और 5 तख्तों घूम के जिस आनंदपुर साहब न शायद वो 13 अप्रैल में पहुँचेगी, वो अमृतसर भी आएगी, वो यात्रा करके 5 तख्तों तो वापस लखनऊ पहुँचेगी। इस तरह की ट्रेन अमृतसर तो दिवाली तो पहला चलेगी जिहड़ी 5 तख्तों घूम के अमृतसर आए। इस तरह ही हर तख्त नूं केंद्र च रख के, क्योंकि साडे सिख धर्म च गुरुआं ने 5 तख्त बनाए, बड़े महत्वपूर्ण ने और हर बजुर्ग की हर व्यक्ति की इच्छा होंदी कि अपने जीवन च 5 तख्तों के दर्शन करे। एरे विचो कल्ला बजुर्ग भी ट्रैवल कर सकदा, सरकार इस पूरी सहायता देती है, व्हीलचेयर देती है, अटेंडेंट देती है, होटल रहना खाना पीना सारा उस यात्रा टिकट च ही होंदा और एक बड़ा वड्डा उपराला है जिस उपराले नू प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्लीयर किया और ही मीटिंग आज तो 5 दिन पहले दिल्ली च हैगी सी क्योंकि छीना साहब की प्रपोजल सी और होर जिहड़े सिख आगू अलग अलग देश के अलग अलग कोनिया तो मैं उन्होंने बुलाया सी और रेल डिपार्टमेंट ने बिठा के वो मीटिंग क्लीयर की है और उस मीटिंग के अंदर यह फैसला होया कि यह ट्रेन नु किस तरह चलाना है और वो ट्रेन जल्दी ही अमृतसर च आएगी और अज असी सारे ने फैसला किया कि अमृतसर के अंदर उस ट्रेन के स्वागत असे अभी भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों की गल की जी टीचे लोग सभा उस तो पहले जो गल करिए तो जी लोकल चुनाव नगर निगम
ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय तैयार है।